told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake it. Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Zeba Khan Malik Family Vlog. तो guys कैसे हैं आप सब, इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मतलब सब समझ ही रहे होंगे कि मैं बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा लुक बनाकर बैठी हूँ. तो guys आज है हमारा मेहंदी का शूट और आज भी कोई न्यू ही है, उनसे फर्स्ट टाइम मैंने मेहंदी लगवा रही हूँ. तो मुझे ये नहीं पता वो कैसी लगाएंगी, लेकिन जैसी भी लगेगी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी. तो गाइज अभी थोड़ी ही देर में मेरे मेहंदी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि घर में क्या क्या हो रहा है. तो गाइज आज खाने में बन रहा है आलू के पराठे और जैद दावर की हो रही है पढ़ाई माशाल्लाह से, और जैन की पहले से तबीयत थोड़ा सा बेहतर है लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है. तो आज दानिश काफ़ी परेशान होने वाले हैं क्योंकि मैं तो बैठ जाऊंगी रात तलक के लिए, मेरे मेहंदी लगेगी और दानिश ही देखेंगे जैन को. तो गाइज आज का भी मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है और अभी तो दोपहर ही हो रही है लेकिन धूप नहीं है बिल्कुल भी और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा. तो गाइज यहाँ हो रहा है हमारी किचन का काम क्योंकि क्लीनिंग आज थोड़ा सा लेट हुई क्योंकि आज है फ्राइडे, बिल्कुल भी पानी नहीं था और पूरे एरिया में ही पानी नहीं था. तो यहाँ हो गया हमारा भुरता रेडी और तो चलो जल्दी से बनाओ, फिर थोड़ी सी क्लिप में उसकी भी ले लूँगी. ठीक है, और यहाँ पढ़ रहे हैं जैद दावर और इन तीनों का ही राज चल रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके पापा का राज चल रहा है यहाँ पे, है दानिश? इन तीनों को तो देखो था ना माशाल्लाह से कितने सुकून से सो रही हैं. और ये रहे जैन. जैन क्या कर रहे हो मेरे नन्नू, क्या कर रहे हो? मैं और ये रही मैं. तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा मेहंदी का शूट है आज और मेरा मेहंदी का शूट स्टार्ट भी हो गया है. तो गाइस बड़े ही आराम से आज मेरे मेहंदी लग रही है पहली बार, तो गैस करिए आपकी कहाँ लग रही है. तो गाइस मेहंदी लग रही है मेरे पैरों पे और जो कि मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं लेटी हुई हूँ, बैठा नहीं जा रहा था, मुझसे बहुत ज़्यादा मेरे मतलब बैक पेन होने लगा था. तो अभी जब मेरे पैरों का डिज़ाइन कम्प्लीट होगा इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊँगी. तो गाइज़ हमारी पैरों की आधी मेहंदी कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह से और कुछ डिज़ाइन हाथ पे भी लग गया है. तो उससे पहले हम कर लेते हैं कुछ खाना पीना क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़. तो हम कर रहे हैं अपने आलू के पराठे एंजॉय. खाओ ना सही से, अच्छे बने पराठे. तो गाइज़ ये रहे हमारे आलू के पराठे. दानी खाया है तुमने खाना? इसे देखो हुरैरा को. तो गाइज मेहंदी लगवा के बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ मैं. तो गाइज बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ मैं मेहंदी लगवा कर और दानिश ने बड़ा ही अच्छा मेरा सेटअप बनाया है मतलब जुगाड़ से. तो गाइज मेरी टेक लगाने का सेटअप देखो जरा आप, घर के सारे पिलो यूज में ले लिए दानिश ने ताकि मेरी ऊंची सी टेक बन जाए क्योंकि मैं बैठी हूँ आगे और मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था इस तरीके से पैर लटका कर. तो ऐसा वाला सेटअप बनाया दानिश ने. हाय अल्लाह, मेहंदी भी लगवानी है, व्लॉगिंग भी करनी है, कितना बिजी रहती हूँ ना दानिश में, मेहनती हूँ ना मैं बहुत. और यहाँ हमारी मेहंदी लग रही है. नहीं थैंक यू, अच्छी बनाई है कॉफी बहुत. मुझे कारखाना बॉस को फोन करो.
फाइनली मेरे मेहंदी लग गई है जैसे कि आप देख रहे हो, और बहुत अच्छी सी मेहंदी लगाई है। इनका नाम था इकरा, इकरा मेहंदी आर्टिस्ट करके इनका पेज है। मैं इनके साथ अपनी वीडियोस कॉलैब करूंगी इंस्टाग्राम पर, तो आपको अगर इंटरेस्ट आए इनकी मेहंदी के डिजाइन में, आपको भी अच्छी लगे तो आप वहां जाके डीएम कर सकते हैं। गाइज मैं थक गई हूँ बहुत बुरी तरीके से, तो अब जो थोड़ा बहुत मेहंदी में गीलापन बाकी है ना, वो मैं ड्रायर से सुखाऊंगी और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि इसका अभी, मतलब अभी मेहंदी लगी है आज, और इसका रात में कलर क्या हुआ है, और बाकी का जो अच्छा वाला कलर होगा वो तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखा पाऊंगी। तो फिलहाल अभी मेरे मेहंदी के डिजाइन ही है जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, माशाल्लाह से बहुत मेहनत से लगाए उन्होंने, बहुत प्यार से लगाए, और मेरे पैरों पे भी मेहंदी लगी है, मैं आपको वो भी दिखाती। तो गाइज ये है मेरे पैरों की मेहंदी का डिजाइन और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने कम से कम 6-7 साल बाद मैंने ये डिजाइन लगवाया है, वरना आपसे पहले जब टिकटॉक थी ना उस टाइम पे, मतलब मैंने अपने ये डिजाइन लगाए थे और मतलब किसी के देख के नहीं लगाए थे, हमने खुद ही अपने छोटे वाली सिस्टर है उसने और मैंने अपने दिमाग से ही लगाए थे। और दानिश ऊपर वाला डिजाइन भी दिखाना, और गाइस यहाँ लगी हुई है ऐसे, तो बहुत अच्छी मेहंदी लगी है। और दोपहर से हमारे मेहंदी लग रही है, करीबन 4 बजे से लग रही है ना, 4 बजे से हमारे मेहंदी लग रही है, और मैं 10:30 बजे फ्री हुई हूँ। तो बस बहुत ज्यादा ना, मतलब जिस दिन भी मेहंदी का शूट होता है हमारा, उस दिन तो बस पूरी बैग का पता ही नहीं रहता कि कहाँ चली गई। तो गाइज अभी जब इसका कलर आएगा, मतलब अभी जब मैं इसको छुटाऊंगी उसके बाद दिखाऊंगी आपको कि अभी का कलर इसका कैसा है, तो जब तक मैं इसको जल्दी से सुखाती हूँ और वॉशरूम वगैरह जाती हूँ। तो गाइज मिलते हैं आगे वीडियो। तो गाइज दोपहर से मेहंदी लगवा के बस मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा, और अब बस मैं आराम करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपका जवाब दे दूं, आपके बहुत सारे डीएम्स भी देखे मैंने और एक आध कमेंट भी बता रहे थे दानिश कि आप मैसेज कर रहे हैं मुझे बुरखों का पूछने के लिए कि मेरा अबाया बिजनेस है या नहीं। तो गाइज माशाल्लाह से है, बस मैं वीडियोस वगैरह भी नहीं डाल रही हूँ। इंशाल्लाह अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ना हम अपना बुरखों का भी स्टार्ट करते हैं वापस से, लेकिन सारा स्टॉक हमारे पास है। आप मलिक स्टोर वाली आईडी में जाकर जरूर विजिट करें, वहां पे सारे के सारे मतलब बुरखों की वीडियोस भी हैं, फोटोज भी हैं, और आपको जो भी पसंद आता है, आप जो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट सेंड करें, आपको उसके प्राइस वगैरह सब बात हो जाएगी अच्छी तरीके से। और सभी बुरखे जो उस पे मलिक स्टोर वाली आईडी पे जाके अगर आप देखेंगे तो वो सारे ही बुरखे हमारे पास अवेलेबल हैं इस टाइम भी, तो अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं बिल्कुल। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने काम बंद कर दिया है, अभी भी काम चल रहा है जो लोग हैं जिनको पता है। बाकी का ये, हाँ मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह से और भी काम है, बहुत ज़्यादा मसरूफियात रहती हैं, तो बस हो नहीं पा रहा सब कुछ एक साथ मैनेज। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं अपने अबाया की वीडियोस भी ज़रूर डालूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो गाइज बस आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर पूरा, क्योंकि जैसे कि आपको भी पता है आज सारा दिन बस मेहंदी लग रही थी और बहुत ज़्यादा बस थकान हो गई है। तो अभी तक वैसे खाना वाना भी नहीं खाया है हमने, तो बस खाना पीना भी खाएंगे, लेकिन व्लॉग पहले एंड करूंगी, बच्चों को लिटा दिया है क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल भी है। तो बस जल्दी जल्दी से जाएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ना जल्दी से कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको मेरा व्लॉग आए तो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप मुझे फर्स्ट कमेंट कर सकते हो, और इंशाल्लाह हम फिर नाम भी लेंगे आपका और स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। तो गाइज लाइक भी करें जरूर। गाइज बस आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर पूरा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को जरूर जरूर लाइक कीजिए, और बहुत प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स कीजिए। तो गाइज अल्लाह हाफिज। तो गाइज अम्मी ने भेजा शोले, मैंने अपना व्लॉग एंड कर दिया था लेकिन ये मुझे व्लॉग में लेने वाली चीज लग रही थी, तो शोले के साथ हम ले रहे हैं नींबू, नींबू मतलब डाल दिया और साथ में दही, और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपको पता है दानिश दही नहीं खाते हैं, लेकिन दानिश खा रहे हैं। दानिश कैसी लग रही है शोले के साथ दही, अच्छी लग रही है ना? हाँ बेटा, चलो बस सबको अल्लाह हाफिज कर दो, व्लॉग एंड हो गया बहुत देर पहले, अल्लाह हाफिज।